पंजाब कॉन्फ्रेंस में चल रहे घमासान की आज अब पूरे देश में अन्य नेताओं तक भी पहुंचने लगी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आला कमान के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विघटन की ओर अग्रसर है, अगर इसको रोका नहीं गया तो ना तो कांग्रेस के हित में है न ही देश के हित में। उन्होंने कहा कि पंजाब ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। कपिल सिब्बल के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके घर का घेराव करना सही नहीं है। वह वरिष्ठ नेता है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रोहतक स्थित अपने निवास पर पत्रकार वार्ता कर रहे थे। विपक्ष आपके समक्ष जो हमारी जो CLP है, समझो जो हरियाणा की लेजिस्लेचर पार्टी है, उनकी मीटिंग हुई थी, सब उसमें विधायक थे, विधायक दल की मीटिंग हुई थी कांग्रेस के। उन्होंने ये फैसला किया कि जो विपक्ष आपके समक्ष जाना चाहिए, अखाइवाल अपनी भाषण नहीं, लोगों की बात सुननी चाहिए। और वो समस्याएं जो आज प्रदेश के अंदर जा रहा है, आने आगामी विधानसभा में पूरे जोर शोर से उठाएंगे, इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो हम इसी प्रकार से पहले सारे जिलों में जाएंगे, फिर अपने असेंबली हल्का में जाएंगे, और वहाँ की जो जो हमारे को आएगी समस्या आएगी, वो उनकी तरफ से लोगों की आवाज़ बनकर हम असेंबली में बोलेंगे। सर, आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं लेकिन इसमें कहीं कहीं कुमारी सैकिया का बयान आया है कि ये भूपेंद्र हुड्डा का कार्यक्रम हो सकता है, कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं। ये मैंने कहा ना, ये जो है CLP की मीटिंग का फैसला है ये, और जो है CLP जो कांग्रेस के विधायक दल है, सब कांग्रेस के विधायक हैं उसमें, उनका फैसला है। कांग्रेस पार्टी के विधायकों का फैसला है ये। वो उनका स्वयं में इतना उनका कार्य करने का वो है, कार्य क्षेत्र है, वो अपना कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं। आप वरिष्ठ नेता हैं सर, प्रदेश अध्यक्ष को आपके साथ होना चाहिए, जहाँ जो भी आए, यहाँ तो कोई किसी को ना नहीं है। जहाँ कार्यक्रम होगा प्रदेश अध्यक्ष भी आए और विधायक भी आए और जो भी अपनी करना चाहता है सब आए, किसी को कोई रुकावट नहीं आने की।